पथरिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का विजय संकल्प यात्रा का आगाज करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव नेहरू गांधी परिवार पर टूट पड़े। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की अपील तो की, लेकिन नेहरू गांधी परिवार भी उनके निशाने पर आ गए। दुनिया में सबसे भ्रष्ट घराना, सबसे बड़ा चोर, सबसे अनैतिक और सबसे बड़ा धर्म विरोधी और परिवार का घराना नेहरू खानदान को बता दिया। गोपाल भार्गव यही नहीं रुके, उन्होंने नेहरू परिवार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में परिवार जमानत पर घूम रहा है। गोपाल भार्गव बोले कि 700-800 करोड़ के घोटाले के आरोपी खानदान के लोग हिंदुस्तान के ईमानदार प्रधानमंत्री को चोर बता रहे हैं। इसके बारे में संकल्प इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमें इस चुनाव प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनाना है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर घराना भी कोई है, सबसे बड़ा भ्रष्ट घराना कोई है, और सबसे बड़ा परिवारवादी घराना भी कोई है, अनैतिक घराना भी कोई है, और धर्म विरोधी घराना भी कोई है, तो वह है घराना नेहरू खानदान, सबसे बड़ा घराना।